देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 50 ले रहे हैं, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल है 2,26,300, कुछ बुक्स में ये 51 है। ये एक्चुअली कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन है। सर कैसे पता लगा ये कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 है? इसके लिए आप देखिए सेंटेंस पॉइंट नंबर 5, एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस इतना सा लिखा हुआ आएगा। उसके लिए अगर कैश लाना है या ले जाना पड़े, तो इसका मतलब एक्स और वाई चाहते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में एडजस्ट हो। अब के टोटल कैपिटल गिवन नहीं है, जैसा कि कैपिटल नंबर 1 में था, टोटल कैपिटल इस बार सेंटेंस में गिवन नहीं है। इस बार केवल ये कहा है कि एक्स और वाई अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह सब आप इसका बना लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट जो है वो आपको समझा रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। देखो कैपिटल अकाउंट के फर्स्ट पार्ट में कभी कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहता है। बाय बैलेंस बीडी, पुरानी गुडविल जो एसेट्स में दे रखी है, अच्छा इसमें रिटायरिंग हो रहा है जेड, तो जेड को गुडविल मिलेगी, जेड को गुडविल मिलेगी, और देंगे कौन? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई तो डेबिट हो जाएंगे, और जेड को 3,000 और 6,000 की गुडविल मिल जाएगी, कुल मिला के 9,000 की गुडविल जो है वो जेड को मिलेगी। और ये देंगे कौन इसको? एक्स और वाई। ये देखो ये रहा, जेड को 9,000 रुपए की गुडविल मिल रही है। कौन दे रहे हैं? एक्स और वाई। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। अब सर 9,000 की क्यों मिल रही है? तो देखो गुडविल फर्म की टोटल 54 है, 54 में से जेड का शेयर है 1/6, तो 1/6 होता है 9,000, इसलिए इसको 9,000 की गुडविल मिल रही है। ठीक है जी, गुडविल मिल गई है। रिवैल्यूएशन जब बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन से लॉस निकलेगा, ओल्ड रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन में ये सब रिजर्व वगैरह और कुछ दे नहीं रखे हैं, क्वेश्चन में ये जरूर कहा है कि जेड इज पे 93,000 ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। जेड को पे किया गया 9,300 रिटायरमेंट के वक्त, तो ठीक है पे कर दो, टू बैंक करके आपने 9,300 पे कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में और कोई एडजस्टमेंट नहीं रह गया है। नाउ जेड आपका रिटायरिंग पार्टनर है, जेड का बैलेंस जो है जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को तो लोन में ट्रांसफर करना ही। और बाकी जो दोनों पार्टनर हैं उनका जो है वो बैलेंस सीडी निकल जाएगा, ये टू बैलेंस सीडी निकल गया, और ये सीडी सेकंड पार्ट में जाके बीडी बन जाएगा। यहाँ आकर फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, अब आपका सेकंड पार्ट जो है वो चालू होगा, और यहाँ आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो अप्लाई करना है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहते हैं ए और बी वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो। तो ए और बी की कैपिटल आज की डेट में ये वाली कैपिटल नहीं है, अब उनकी कैपिटल हो चुकी है 72,900 एंड 62,100, इतनी कैपिटल उनकी है और वो उसको न्यू रेशियो में बांटना चाहते हैं। तो 72,900 और 62,100 को जोड़ो, अब टोटल कैपिटल ये हो गई, और उस टोटल कैपिटल को 5:4 जो कि आपका न्यू रेशियो है उसमें बांट दो। न्यू रेशियो में आप इसे बांटेंगे तो ये आएगा 75 एंड 60, ये आएगा 75 एंड 60, ये 75 एंड 60 आप यहाँ टू बैलेंस सीडी में लिख दो, 75 एंड 60, ये वो कैपिटल है जो इनकी होनी चाहिए टू बी। और है कितनी? इट इज इनकी कैपिटल है इतनी, होनी चाहिए इतनी। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि ए जिसकी कैपिटल 72,900 है, होनी चाहिए 75, तो बाय बैंक करके वो पैसा लाएगा 2,100, और बी जिसकी कैपिटल 62,100 है, होनी चाहिए 60,000, वो 2,100 टू बैंक करके निकाल लेगा, जिससे कि उनकी कैपिटल अब न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो आपका 5:4 था, उसमें उनकी कैपिटल हो चुकी है। टोटल अप कर लो या फिर टोटल हो गए, बराबर आ गया, कैपिटल इनके निकल गई है। और इन्होंने कहा था कि कैश निकालना है, तो ये तो हो गया टू बैंक, यानी विड्रॉ कर लिया आपने, और ये हो गया बाय बैंक, इसका मतलब उन्होंने ब्रिंग कर लिया यानी कैपिटल लेकर आए, क्योंकि क्वेश्चन में बात लिखी थी या तो लाकर या निकाल कर। ये देखो लिखा है बाय ब्रिंगिंग इन यानी लाकर, और पेइंग कैश यानी विड्रॉ कर उनको अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है, कौन से रेशियो में? न्यू पीएसआर यानी 5:4 के अंदर, और 5:4 आपको यहाँ दे रखा था। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट का सेकंड पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट होगा, इसमें टू बैंक और बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर में निकलेंगे। देखो टू बैंक और बाय बैंक ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकलते हैं, क्योंकि ये 75 और 60 की कैपिटल तो हमने निकाल ली, ये कैपिटल तो हमने निकाल ली,
इतनी कैपिटल हम यहाँ से लेकर आए थे 72,900 होनी चाहिए 75, इससे से टू बैंक और बाय बैंक बैलेंसिंग टर्म में निकल जाएगा और अब आप न्यू बैलेंस शीट बड़े आराम से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो टू बैलेंस सीडी है ये एज इट इज आपका नीचे आएगा, जैसे लोन अकाउंट आपका नीचे आएगा ना, मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया था लोन अकाउंट सीधे गिरते हैं, तो ये 60,000 का लोन है ये रहा, ऐसे ये जो कैपिटल है 75 और 60 की ये भी सीधी गिरेगी, क्योंकि मैंने कहा था बैलेंस सीडी सीधे गिरते हैं बैलेंस शीट में, तो 75 और 60 आप यहाँ दिखा देंगे और रिवर्शन के सारे इंपैक्ट दिखा देंगे। कैश एट बैंक की बात करें तो बैंक में शुरुआत में क्वेश्चन में कह दिया था 10,000 रुपए है और 2100 रुपए जो है वो बी ने निकाल लिए थे वो ये रहे। और ए लेके आया ये ए ने ए लेकर आया है और ये बी ने निकाल लिए, तो और 9300 आपने जेड को पे भी किए थे, यहाँ लिखा था 9300 चेक करो ये रहा 9300, तो कुल मिलाकर कैश अब आप कैश एट बैंक आपके पास बचा 700 रुपए। रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट कर लो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा 2,10,000 रुपए। तो इस तरीके से आपका कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर जो 2 है वो यहाँ आएगा। जितने भी कैपिटल एडजस्टमेंट हैं उन सब का फर्क पार्ट 2 में पड़ेगा, यहाँ पार्ट 1 से उसका कोई लेना देना नहीं है और पार्ट 2 मैंने आपको इसमें समझाया है, इसमें आपका जो है एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो इस तरीके से पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो अब 5:4 में हो गई है और इसके लिए उनको कैश लाना भी पड़ा निकालना भी पड़ा, ये काम तो आपका हो गया। और पॉइंट नंबर बी में आपका लिखा था कि जो रिमेनिंग अमाउंट है जेड का वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा, इंटरेस्ट रेट 10% रहेगी, इसलिए जेड का लोन भी 3 सालों के लिए बताइए, तो जेड का लोन अकाउंट भी 3 सालों के लिए बनाना पड़ेगा। यहाँ हमने जेड के जो बैलेंस है वो जेड के लोन में डाला है 60,000, तो जेड का जब लोन अकाउंट बनाओगे तो वहां लिखोगे बाय जेड कैपिटल 60,000, वहां लिखा था 2 में तो यहाँ आ जाएगा बाय में, ये बन गया जेड का लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको पता है लोन आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटी में दिखाया है, ये बैलेंस शीट के बाद अगले 3 सालों की बात हो रही है, बैलेंस शीट में तो आ चुका है अगले 3 सालों में कैसे बनेगा, तो लोन आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट से बढ़ेगा डेबिट से कम होगा, ठीक है। अच्छा, लोन इन्होंने कहा कि 60,000 का इंस्टॉलमेंट है, लोन है 3 इंस्टॉलमेंट में पे होगा तो पर इंस्टॉलमेंट होगी 10,000 पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट की रेट इन्होंने 10% कही थी, अब हम लोन अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। 60,000 का 10% 6,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया, इससे आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। अब आप पेमेंट करेंगे, ये 60,000 डिवाइड बाय 20,000 होगा, सॉरी 20,000 की इंस्टॉलमेंट है, 20,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 6,000 रुपए का ये इंटरेस्ट, दोनों का पेमेंट कर दो, 26 का पेमेंट हो गया, बैलेंस सीडी बचा 40, ये सीडी बीडी बन जाएगा 40 का 10% इंटरेस्ट 4,000, 20,000 की इंस्टॉलमेंट 4,000 का इंटरेस्ट, टोटल 24 का पेमेंट हो गया, बाकी बचा 20, 2 साल कंप्लीट हो गए, ये 20 यहाँ जाएगा, इस 20 पे 10% इंटरेस्ट 2,000, 20 की इंस्टॉलमेंट 2,000 का इंटरेस्ट, 22 का पेमेंट हो गया, टोटल दोनों साइडों इक्वल आ गई, अब कोई बैलेंस सीडी नहीं बचा, तो 3 सालों में आपका लोन का पूरा पेमेंट हो गया, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में आपने विद इंटरेस्ट पूरा लोन पेमेंट कर दिया है।